नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा अकेडमी के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश ग्राम विकास अधिकारी एग्ज़ाम डेट के बारे में। तो दोस्तों, जो यहाँ पर यूपी बीडीओ 2018 का एग्ज़ाम डेट थी वह घोषित हो चुकी है, जहाँ जिसमें कहा गया है कि 22 और 23 दिसंबर 2018 को यहाँ पर परीक्षा सम्पन्न कराई जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं उस न्यूज़ पर अपन देख लेते हैं। दोस्तों, आप यह जो न्यूज़पेपर है दोस्तों, यह आज ही की न्यूज़ की कटिंग है, न्यूज़पेपर की कटिंग है दोस्तों। इसमें कहा गया है कि ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती परीक्षा 22 और 23 को संपन्न होगी, यानी कि 22 और 23 दिसंबर को यहाँ पर संपन्न कराई जाएगी। दोस्तों, इसमें डिटेल से यहाँ पर देख लेते हैं। दोस्तों, यह प्रकाशित किया गया था, यह लखनऊ में प्रकाशित किया गया था, यानी कि जो पेपर है यह लखनऊ में प्रकाशित किया गया था। इसमें कहा गया था दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग समाज कल्याण विभाग की ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, ठीक है, ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक के 1953 पदों पर जो भर्ती निकली थी, कितने 1953 पदों पर जो भर्ती निकली थी, उसकी परीक्षा 22 व 23 दिसंबर को कराया जाएगा, ठीक है। यानी कि 22 और 23 दिसंबर यहाँ पर घोषित की गई है। इसके लिए प्रदेश के 16 जिलों में 572 परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में 572 यहाँ पर परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे, जहाँ पर यह परीक्षा संपन्न होनी है। इसके बाद दोस्तों, आयोग ने वेबसाइट पर प्रवेश पत्र अपलोड कर दिए हैं, ठीक है, वेबसाइट पर इसकी प्रवेश पत्र अपलोड कर दिए हैं, परीक्षार्थी इसे निकाल सकते हैं। बता दें कि सीबी पालीवाल द्वारा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष से पद इस्तीफा देने के बाद वरिष्ठ सदस्य अरुण सिंह की देख रेख में काम शुरू हो गया है। यानी कि जो यहाँ पर अधीनस्थ सेवा आयोग के अध्यक्ष थे, उन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। तो इसके बाद दोस्तों, उसके वरिष्ठ सदस्य अरुण सिंह की देख रेख में जो यहाँ पर प्रक्रिया होने वाली, यहाँ पर जो परीक्षा होने वाली है, वह अरुण सिंह की देख रेख में ही यहाँ पर परीक्षा होने वाली है। दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर एडमिट कार्ड या प्रवेश पत्र की। तो दोस्तों, वेबसाइट पर जाकर अपना प्रवेश पत्र आप निकाल सकते हैं। यदि आपको यह इसकी वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, यदि आपको यह वीडियो देखना है तो इस आई बटन पे आप क्लिक करिएगा, आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी, जहाँ पर आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाया गया है कि आप एडमिट कार्ड कहाँ से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।